अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार कुकिंग। और आज हम बना रहे फ़िश फ्राई। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे 500 ग्राम के करीब फ़िश ली है। ये देख सकते हो, मैंने इसे अच्छे से धो लिया है, पूरा पानी भी इसका मैंने निकाल लिया है। ये देखिए, और इस तरीके के मैंने पीस करवाए हैं। ये फ्राई करने के लिए जो पीस करवाते वैसे मैंने इसे कटवा के ली हूँ। और ये देखिए, अभी इसके अंदर ना थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे और थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे इसके अंदर। और इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिला के इसे करीब आधे घंटे के लिए हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे। तो जो नमक और हल्दी का इस एक फ्लेवर होता है जो, और नमक का जो टेस्ट है, वो भी फ़िश के अंदर चली जाएगी, फिक्की नहीं लगेगी, ये खाने में अच्छी लगेगी। तो इसीलिए नमक हल्दी लगा के इसे पहले हम आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए, मैं इस तरीके से हर पीस के ऊपर अच्छे से नमक और हल्दी को लगा दे, और बस अभी से आधे घंटे के लिए मैं इस तरीके से छोड़ देंगे। और इसका मसाला रेडी कर लेती हूँ मैं। तो अभी मैं मसाले के लिए ले रही हूँ एक बाउल। तो इस बाउल के अंदर हम लोग, तो हमने बाउल लिया है, तो अभी ये बाउल के अंदर मैं डाल दूँगी 1 चम्मच के करीब कॉर्नफ्लोर, 1 चम्मच के करीब मैं इसमें डालूँगी चावल का आटा। और आप इसके अंदर चाहो तो सिर्फ चावल का आटा भी यूज़ कर सकते हो, या सिर्फ कॉर्नफ्लोर भी यूज़ कर सकते हो, आपके पास जो हो। ये मैं ले रही हूँ भुना ज़ीरा पाउडर है ये मेरे पास। और अभी मैं इसके अंदर डाल दूँगी लाल मिर्च। तो लाल मिर्च, अब आप कश्मीरी लाल मिर्च अगर ले रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। तो मेरे पास में ये कश्मीरी लाल मिर्च है, ये दोनों मिक्स है, कश्मीरी लाल मिर्च और तीखी वाली मिर्ची। और ये थोड़ा सा होममेड गरम मसाला मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और ये मसाले को अच्छे से मिला ले, ये देखिए। और नमक भी आप इसमें ऐड कर सकते हो स्वाद अनुसार, क्योंकि मैंने फ़िश में अभी नमक डाला है, तो मैं इसमें नमक अभी नहीं ऐड कर रही हूँ। तो इस मसाले को मैं ऐसे रेडी कर लूँगी, और थोड़ी सी हल्दी इसमें ऐड कर देंगे। और इसके अंदर अब मैं डाल दूँगी हल्दी। तो ये हल्दी मैंने डाल दी है, हल्दी के साथ भी मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, ये देखिए। तो इसके साथ आप फ़िश बनाओगे ना, आपकी फ़िश बहुत अच्छी बनेगी। और जो ये होता है कि भाई फ़िश पे मसाला नहीं लगता है, तो इसमें ये शिकायत बिल्कुल भी आने वाली नहीं है आप लोगों को कि फ़िश पर मसाला नहीं लग रहा है। तो अभी मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। आपको अगर अच्छा लगता है तो डालें, वरना ना भी डालें तो चलेगा। तो अभी मैंने ली है सूजी 1/2 कप के करीब, और इसके अंदर मैं डाल दूँगी नींबू का रस। तो मैंने यहाँ पर एक नींबू लिया है, और इसके बीज जो निकाल लेंगे। तो इस तरीके के मैं नींबू का रस निकाल रही हूँ, ये देखिए। और आप इस तरीके से मच्छी बनाएं, आपको बहुत पसंद आएगी। और ये पूरी फ़िश के ऊपर अच्छे से उसका जो मसाला है ना, अच्छे से लग जाता है। डायरेक्ट हम मसाला फ़िश में डालकर जो बनाते हैं, और ये अलग से जो मैं मसाला बना के आपको बता रही हूँ, ये बहुत ही अच्छी बनती है और सबको पसंद आएगी इंशाल्लाह। देखिए, बीज मैंने निकाल लिए साइड पे, और अभी मैं इन चीज़ों को रस के साथ मिक्स कर लूँगी। और मुझे जितना पानी लगेगा मैं पानी डालती जाऊँगी इसमें। मुझे एक लिक्विड बनाना है इसका, मसाले का एक थिक बैटर रेडी कर लेंगे, ताकि जो फ़िश के ऊपर ना अच्छे से लिपट जाए। इस तरीके का एक बैटर रेडी करना है मुझे। देखिए, अभी मैं सब मसालों को आपस में मिला के जितना मुझे पानी लगेगा, और मैं आपको पेस्ट बना के दिखाती हूँ कि आपको किस तरीके का पेस्ट बनाना है इसका। तो बस उससे ना ज़्यादा पतला रखे, ना ज़्यादा थिक रखे, और उसके ऊपर की जो ये हम लोग जो बना रहे मसाला, ये इतना क्रिस्पी और इतना अच्छा लगेगा। और इसके अंदर जो सूजी डाली है ना, सूजी से एकदम क्रंची आपकी फ़िश बन के रेडी होगी इंशाल्लाह। आप लोग को बहुत पसंद आएगी, इस तरीके से आप लोग भी बनाइएगा। देखिए, इस तरीके से मैं मसाला रेडी कर लिया है, तो ये देख सकते हो। बस ऐसा ही चाहिए मुझे मसाला। अभी मैं इसके अंदर फ़िश एक एक पीस फिश डाल के इसे फ्राई कर लेंगे। तो मैंने साइड में तेल भी गरम करने रख दिया था, और देखिए मसाला मेरा रेडी है। और अब मैं एक एक पीस इसके अंदर लेके मसाला इसके ऊपर लगाती जाऊंगी। और वहाँ पर तेल भी गरम हो चुका है, और तेल हमें एकदम धुएँदार तेल को गरम करना है, एकदम कड़क तेल गरम करना चाहिए। फ़िश जब भी आप फ्राई करो, उसके लिए आपको तेल ज़्यादा गरम होना चाहिए। कम तेल में फ़िश फ्राई मत कीजिएगा कभी भी। और अभी देखिए, मसाले दोनों पीस पे मैं लगा लूँगी, और यहाँ पे तेल भी गर्म हो चुका है, तेल के अंदर इसे डाल देंगे। तो देख सकते हो, तेल में से धुआं उठ रहा है। तो इस तरीके का आपको भी तेल गर्म करना है, और एक एक पीस इसके अंदर मैं रखती जाऊँगी। ये देखिए, एक
इसमें जितने आ जाएंगे उतने पीस। और अगर आपको लग रहा है मसाला कहीं पर कम है तो थोड़ा मसाला हाथ पे लेकर आप पीस पर मसाला लगा सकते हो। ये देखिए इसमें जितने पीस आ जाएंगे मैं एक ही बारी में उतने पीस इसके अंदर रखती जाऊँगी। और इसे एक फ़ौरन टर्न ना करें, इसे एक साइड से पहले पकने दें पूरी तरीके से। एक साइड से वो पक जाएगी, क्रिस्प हो जाएगी। जब हमें दूसरी साइड पलटा के इसे पकाना है, फ़ौरन मत पलटिएगा क्योंकि जो मसाला है वो नीचे अभी तवे में चिपका हुआ है। वो जब पूरी तरीके से पक जाएगी ऑटोमेटिकली वो अधर ही आप इसे टर्न करोगे ना इजीली वो एकदम टर्न हो जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास नॉन स्टिक पैन है और आपके पास में अगर कोई भी हो लोहे का तवा है आप उस पर भी बना सकते हो, जर्मन का तवा है आप उस पर भी इस तरीके से बना सकते हो। बस इतना है कि आपको फ़ौरन नहीं पलटाना है, इसे नीचे से एक साइड से पूरी तरीके से पक जाने दें उसके बाद ही इसे पलटाए। वरना क्या होगा कि फ़िश का जो मसाला है वो तवे में जो चिपका होता है उसकी वजह से ना मसाला तवे पे चिपका हुआ रह जाता है और पीस ऊपर निकल के आ जाता है, तो वो फ़िश खाने में अच्छी नहीं लगती। अगर आप इसे थोड़ी देर पकने दोगे उसके बाद इसको पलटाओगे तो ये इजीली पलट भी जाएगी किसी भी तवे पे, लोहे के तवे पे, जर्मन के तवे पे, किसी भी तवे पे। देखिए ये मेरे ये फ्राई हो चुके हैं, कितने अच्छे लग रहे। मैं ऐसे करके सभी फ़िश को फ्राई कर लूँगी बारी बारी से। ये देखिए अब मैं से एक प्लेट में निकाल रही हूँ, आप चाहे पेपर पे किस पे भी निकाल सकते हो। तो फ़िश मैंने पूरी फ्राई कर ली है, अब मैं एक प्लेट लेती हूँ और प्लेट में इसकी प्लेटिंग कर लेंगे। देखिए ये प्लेट मैंने ली है और यहाँ पर मैं फ़िश रख रही हूँ। माशाल्लाह देखिए कितनी अच्छी लग रही है। आप इसे चावल के साथ, रोटी के साथ, जिसकी मर्ज़ी आप जिस चीज़ के साथ खाना चाहे उस चीज़ के साथ इसका मज़ा ले सकते हो। और ये मैं थोड़े से यहाँ पर प्याज रख रही हूँ। ये देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी फ़िश लग रही है। तो आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूले और मेरी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। प्लीज़ सपोर्ट मी, आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे तभी मैं और अच्छी अच्छी रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। तो अब फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। और ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी लग रही है, आप लोग भी बनाए खाए, आपको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।